नमस्ते टू, आई वेलकम यू इन द सीरीज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन में यूनिट नंबर 3 की, और यूनिट नंबर 3 में लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो हमने कॉन्फ्लिक्ट और पीस के बारे में डिस्कस किया था। आपको याद होगा कि कॉन्फ्लिक्ट और पीस में भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर क्या होता है, जस्ट इन बेलो क्या होता है, जस्ट एट बेलम क्या होता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट्स कीप आस्किंग इन एग्जाम, सो कीप रिमेंबर दिस थिंग्स एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम आज बात करेंगे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में। ये क्वेश्चन न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड बार बार आपसे पूछा जाता है, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू कवर दिस कॉन्सेप्ट्स व्हेन एवर यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, करंट अफेयर के से रिलेटेड भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, क्योंकि अगर आप देखो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारे जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे ग्लासगो समिट या फिर जो है ना क्लाइमेट से रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ना ये जनरली पूछे जाते हैं कि कैसे जो न्यूक्लियर वेपन्स है, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, हाउ दीज आर इम्पैक्टिंग योर क्लाइमेट, और हम इनको कंट्रोल करके हम कैसे जो है ना क्लाइमेट को सेव कर सकते हैं। सो दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक in terms of international relation, in terms of politics, in terms of UN debate. So these are the global current affair related concepts. So here what we are going to cover, हम इसको theory के हिसाब से भी पढ़ेंगे, हम इसको history के हिसाब से भी पढ़ेंगे, यानी कि इन सब चीज़ों का आपको यहाँ पे मिश्रण मिलेगा, और यहाँ पे हम cover करेंगे कुछ कुछ current affair के parts, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को टच करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इन पॉलिटिकल साइंस, इन इंटरनेशनल रिलेशन, यू कांट ओनली टॉक अबाउट द थियरी, यू कांट ओनली टॉक अबाउट हिस्ट्री, द करेंट अफेयर, हाउ कैन वी अप्लाई इन टुडेज लाइफ, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो मूविंग टू द कॉन्सेप्ट्स, लेट्स मूव टू द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद हमारा जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम कवर करेंगे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है ना कैसे है एक निवारण का, जो है ना कहते हैं कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से क्या हो रहा है कि देयर इज़ अ डुअल यूज़, ठीक है। जब हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि दैट्स ऑल्सो अ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का तो सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी, बट ऑल्सो हैज़ अ पीसफुल इम्पैक्ट। सो हाउ द न्यूक्लियर वेपन्स इज़ अ यूज एज अ डिटरेंस, ठीक है। आज जो वॉर है उसको कम करने में, या फिर क्या ये सही तरीका है वॉर को रोकने का, सो दिस इज ऑल वी डिस्कस इन द टर्म्स ऑफ डिटरेंस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस तरह के खतरे को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट, इंटरनेशनल बॉडीज क्या क्या जो है ना रेजोल्यूशन निकाल रही है, क्या क्या समाधान है इसको स्टॉप करने के लिए। और फिर हम बात करेंगे कि ये जो समस्याएं हैं वो कौन से नए रूप में हमारे सामने आ रही है। So these are all the unit that we are planning to cover in this debate. So let's start one by one. We are going to start with the weapons of mass destruction. देखिए, जब भी हम weapons of mass destruction की बात करते हैं तो इसको classify करते हैं 3 वर्ड में, और ये 3 वर्ड है ABC, ठीक है। ABC आप याद रखेंगे, that is weapons of mass destruction, ठीक है। A for atomic weapons, दैट इज न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। जितने भी आप देखते हो न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड या फिर न्यूक से रिलेटेड, दैट्स कम अंडर द एटॉमिक वेपन। द सेकेंड पार्ट दैट इज बी, इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वायरसेस या फिर किसी तरह की डिजीज दैट इज अ कॉम्युनिकेबल, क्या हो सकती है, उसकी प्रसार जो है ना बहुत आसानी से फैलता है, उससे भी क्या करते हैं जो कंट्री होती है एक दूसरे कंट्री पे अटैक करती है। तो आपने वो वाली मूवी देखी होगी, आई थिंक हाँ इट इज़ क्रिस 3, ठीक है। क्रिस 3 आप देखोगे ना तो उसमें क्या होता है, उसमें जो काल रहता है, ठीक है, ही इज़ प्रिपेयरिंग अ न्यू काइंड ऑफ वेपन, जिससे वो क्या करना चाहता है, दुनिया को तबाह करना चाहता है। सो दिस इज ऑल्सो लाइज इन दिस काइंड ऑफ वेपन्स, जिससे क्या हो सकता है पूरी दुनिया की तबाही हो सकती है। सो दिस इज ऑल्सो कंसीडर अ टाइप्स ऑफ वेपन एंड दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वेपन, ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस फैला था, सो मेनी पीपल्स आर क्लेमिंग दैट्स इट्स द चाइना, समवन इज क्लेमिंग दैट्स नो इट्स अ डिफरेंट कंट्री, ऑल कंट्रीज आर ब्लेमिंग ईच अदर्स। सो दिस इज अ, यू कैन से द स्ट्रेटजी, द पॉलिटिक्स बिटवीन देम इज गोइंग अंडर दिस वन, ठीक है। इस तरीके से जब हम वायरसेस के थ्रू या फिर कोई डिजीज के थ्रू आप दूसरे कंट्री पे अटैक करना चाहते हो, क्योंकि अचानक से आप किसी का वैक्सीन तुरंत डेवलप नहीं कर सकते हो, तो उससे क्या होगी, आपकी पॉपुलेशन, आपकी जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ उस वे में डेविएट हो जाती है और उसकी वजह से आप जो है ना वो पीछे चले जाते हो. सो दैट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. Now moving to the third weapons that is also lie in the chemicals weapon, यानी ABC में जो तीसरा weapon है वो है आपका chemicals weapon. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कुछ chemicals के थ्रू, टीयर गैस के थ्रू, सेरीन के थ्रू जो होता है ना, आप जो है ना उस सोसाइटी के उस मास को ना आप क्या करते हो, बहुत सालों तक जो है ना उससे जूझते रहते हैं. So these are lie as a chemicals weapon, यानी रासायनिक, ठीक है, रासायनिक जो तरीके होते हैं इससे भी क्या होता है, आप जो है ना दूसरे कंट्री को, एक लार्ज पॉपुलेशन को आप हानि पहुंचा सकते हो. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ABC वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. तो हम एक एक करके इस सारे काइंड्स को पढ़ने जा रहे हैं. जो पहला काइंड है दैट इज एटॉमिक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन. सो लेट्स मूव इनटू दिस एटॉमिक वेपन. The word and the problems has been arise during the World War II. जब अमेरिका को ये पता लगा कि नाजीज या जर्मनीज क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की. अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है इसका पता अभी नहीं है. There is no concrete evidence, but this is what mentioned in your book कि the first time when the America has known कि नाजी और वर्ल्ड वॉर टू में नाजी इज गोइंग टू इनरिच इज न्यूक्लियर वेपन, तो अमेरिका को लगा कि हमें भी क्या करना चाहिए, उस ओर ध्यान देना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई देयर इज द 1945 देयर इज द बर्थ ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स. और वहाँ से आप देखोगे पहला जो प्रोजेक्ट अमेरिका ने स्टार्ट किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट. मैनहट्टन प्रोजेक्ट मैं इस पर थोड़ी देर बाद में आऊँगी, बट लेट्स मूव टू द, थोड़ा सा हम इसके लैंडस्केप को समझते हैं. सो दिस इज कॉल्ड मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहाँ पे आप देखोगे 1945 में द फर्स्ट न्यूक्लियर, द फर्स्ट एटॉमिक वेपन ऑफ द अर्थ हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द अमेरिका. और उसका श्रेय जाता है आपका ओपेनहाइमर. ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक बॉम्ब, ओपेनहाइमर. अभी ये मूवी इज वेरी इन करंट, अभी आपसे इससे रिलेटेड आपको जो है ना मूवीज भी देखने को मिलेगी. एट दिस मूवी इन यूज डिबेट, और ये जो मूवी है ना इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड वो बताते हैं किस तरीके से, देखिए जब भी हम न्यूक्लियर की बात करते हैं, न्यूक्स की बात करते हैं, तो इट्स अ रियलिस्ट स्ट्रेटजी. ठीक है, आप पावर को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करते हो, और ये एक रियलिस्ट स्ट्रेटजी है, ये एक यथार्थवादी सोच है. ठीक है, ये यथार्थवादी सोच है. और इसमें ये बताया गया है कि कैसे हर स्टेट क्या करता है, पावर्स को गेन करना चाहता है अपने इंटरेस्ट को देख करके. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर वेपन्स दैट्स कम अंडर द मैनहट्टन प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे ओपेनहाइमर का जो श्रेय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इसी से रिलेटेड आपकी मूवी हाल ही में रिलीज हुई है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ओपेनहाइमर, सो देयर इज अ, जब उन्होंने ये वेपन तैयार किया तो उन्होंने एक भगवद गीता में लिखा हुआ एक सेंटेंस बोला था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने कहा आई हैव क्रिएटेड द डेथ. ठीक है, जो कृष्ण जी ने बोला था अर्जुन को कि मैं ही क्या हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ. तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है ना, ओपेनहाइमर ने जब ये एटॉमिक वेपन स्टार्ट किया, बनाया, तो उन्होंने कहा मैंने जो है ना मौत की खोज की है. तो उसके बाद उन्होंने बहुत साल तक रिग्रेट भी किया वट एवर ही हैड क्रिएटेड. But when you see this movie, you will realize the importance of this discovery. ठीक है, एक वो जो मूवी है, it's a kind of incredible, and I recommend every political science student to watch this movie. And then you realize कि new realists जो है ना, new realism जब हम बात करते हैं, तो किस तरीके से जो है ना interest के लिए, power के लिए, they will try to accumulate more and more power. So this is the most recommended movie. I will not advertising any kinds of movie that will build your basic understanding about the history, about the politics, about the थिंकिंग कि फॉरेन पॉलिसी में या फिर डिसीजन मेकिंग कैसे होते हैं. सो दिस इज वे द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स हैज बीन क्रिएटेड इन द वर्ल्ड. नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक. सो व्हेन द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन हैज लाइड बाय द अमेरिका, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत पहली बार न्यूक्लियर वेपन को तैयार किया गया. और ये मैनहट्टन इसलिए नाम रखा गया, क्रिएट तो ओपेनहाइमर ने किया था, बट द नेम मैनहट्टन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द लोकेशन जो पहली बार सेलेक्ट किया गया था. तो ये जो है ना सारे जो जितने भी ना वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट को लेके जाया गया था एक डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे जो है ना इंजीनियर जितने भी थे वहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया, डिज़ाइन किया बॉम्ब के बारे में. सो दैट्स वाई द नेम मैनहट्टन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसकी टेस्टिंग जो है ना, आप देखो इसकी जो पूरी जो रिसर्च है वो चली थी न्यू मैक्सिको में लॉस आलामोस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये सब चीज़ें जो आपको ना उस मूवी में दिख जाएंगी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली बार जो है ना न्यूक्लियर वेपन किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना ये आया. और उसके बाद आर्म रेस, डिटरेंस, डिसआर्मामेंट, जितनी भी ट्रीटीज़ हैं आप देखते हो दैट विल ले डाउन. सो द फादर ऑफ एटॉमिक वेपन इज नन अदर देन ओपेनहाइमर, ठीक है, उनको जो है ना फादर ऑफ एटॉमिक वेपन का श्रेय दिया जाता है. फिर उसके बाद आया हमारा 1983, ठीक है, यानी कि देखिए उसके बाद तो आपने देखा बहुत सारी ट्रीटी हुई. 1962 ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपने देखा कि 1945 में जापान को सरेंडर करने के बाद दूसरी बार जब आप देखोगे कि एक नाभिकीय युद्ध की तरह जो स्थिति क्रिएट हुई वो थी आपकी क्यूबन मिसाइल की तरह तहत. और वो जो वॉर है कैनेडी और जो कहते हैं ना उनके बीच, क्रुश्चेव, निकिता क्रुश्चेव के बीच वॉर होते होते टल गई थी. तो ये जो है ना 1968 में जाकर के बहुत सारे ट्रीटी पीटीबीटी और उसके बाद एनपीटी ट्रीटी ये सब साइन हुई 1968 में. बट 1983 में आप देखो कि पहली बार जो है ना एक बार फिर से टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, ठीक है, क्योंकि आप उस टाइम दो पावर ही बहुत इम्पॉर्टेंट थे. और एक जो था वो था यूएस और दूसरा कौन था, यूएसएसआर, यानी कि उस टाइम का सोवियत. ये जो पावर थी ये बहुत इम्पॉर्टेंट पावर थी और ये दोनों इतने सक्षम थे टेक्नोलॉजिकली, दे आर मोर इफिशियंट. और उस टाइम अगर एक ने मान लीजिए कि मून पे जो है ना लॉन्च किया तो दूसरा भी क्या करता है, इन अ रेसिप्रोसिटी, यानी कि आपने किया तो मैं भी करूँगा. इसके वजह से ना देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ वॉर दैट यू सी दैट इज कॉल्ड स्टार वॉर, जिसको हम लोग कहते हैं ना स्टार वॉर, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, जिसको दूसरे नाम से भी जाना गया, वो है आपका स्टार वॉर. तो इस तरीके से ये जो पूरा रेस है आर्म्स को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, दैट इज कीप ग्रोइंग इन द इंटरनेशनल रिलेशन. एंड नाउ वी आर मूविंग इन डेप्थ ऑफ दैट. सो जब हम गहराई में जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है, दैट इज वेरी ईजी फॉर यूएस एंड यूएसएसआर टू ग्रैब. बट इनको देखा देखी आप देखो कि धीरे धीरे ये जो प्रोलिफरेशन है, ये जो न्यूक्लियर वेपन का जो प्रसार है वो अन्य 5 देशों में फैल गया, जिसको हम क्या कहते हैं पी फाइव कंट्री, ठीक है. और ये जो है ना ये आज आपके यूएन के परमानेंट सदस्य हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है. सो इट मीन्स ये आपको ये भी शो करा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स इज नॉट जस्ट अ बार्गेनिंग पावर, इट शो दैट यू हैव सम कैपेबिलिटीज, जो कि आपकी जो ना प्रभुता को भी एक तरह से उजागर कर रही है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में. सो दैट्स वाई इट इज नॉट जस्ट अ डिफेंसिव मैकेनिज्म बट इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बार्गेनिंग पावर, ठीक है. आप अगर किसी से अगर छोटे स्टेट है, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जो है ना डिटरेंस के लिए, यानी कि आपको एक भय दिखाना होगा कि यू कांट अटैक मी, इफ़ यू अटैक आई कैन ऑल्सो अटैक. सो इस तरीके की जो भय है दैट इज़ वेरी इनफ टू आप जो है ना किसी को आप सेम लेवल पे लाके बात कर सकते हो. और इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द कंट्री इज़ ट्राइंग टू अचीव दिस काइंड ऑफ पावर, जिसको रियलिज्म में कहा गया दैट इट्स अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि आप जो है ना अपनी अपनी जो भलाई है, अपनी जो जितने लाभ और घाटा है उसका जो है ना आप आसानी से आकलन कर सकते हो। और ये आकलन करके हर स्टेट क्या करता है, न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ आगे बढ़ता है। सो दिस इज अ वेरी वेल थॉट डिसीजन वेन एवर ए कंट्री गो टू हैव देयर न्यूक्लियर वेपन्स। बट अलॉन्ग दिस आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को ना पूरी तरह से कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू हैव दिस इन फ्यूचर इवन इफ वी हैव द कैपेबिलिटी। अगर हमारे पास कैपेबिलिटी भी होगा ना तो हम इसको अचीव नहीं करेंगे। सो दे कम्प्लीटली डिनाई दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसमें आपके आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गए, जर्मनी हो गया, ठीक है, जापान, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, ब्राज़ील, ठीक है, आई थिंक साउथ अफ्रीका, ठीक है। So these are very important country, even having the technology they have completely said that we are not going to achieve this kind of technology. So this is very important when we talk about the international relation कि कुछ country इनको अपने bargaining power के रूप में देखते हैं और कुछ country जो है ना they consider their peaceful mechanism और they completely avoid this kind of technology, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय विषय में जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना उसका जो मतलब है हर कंट्री के लिए अलग अलग है, ठीक है। और इसके बारे में हम डेप्थ में बात करेंगे जब हम थियरी पढ़ेंगे कि ये मतलब के वजह से ही आप देखो ना इस थियरी के मतलब के अलग अलग मतलब के ही वजह से क्या होता है हर कंट्री को ना दिक्कत होती है। आप एक कंट्री को नहीं बोल सकते कि आप न्यूक्लियर वेपन छोड़ो, आप न्यूक्लियर वेपन छोड़ दो, पूरी तरीके से आप किसी को ना न्यूक्लियर फ्री स्टेट नहीं डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि हर कंट्री का न्यूक्लियर वेपन्स को अचीव करने का एक रीज़न था। जैसे उदाहरण के रूप में इंडिया हैव देयर ओन रीज़न टू मेंटेन देयर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी अगेंस्ट द चाइना। पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन रीज़न इन रिटेलिएशन ऑफ द इंडिया। सो देयर इज अ लिंकेजेस। Even Israel has a fear from the most of the Arab country. So in retaliation of that, ठीक है, हर कोई country अपने जो है ना खतरे के लिए they building this kind of the mechanism. So अगर आप nuclear free state चाहते हो, you need to understand the context. और इसी के बारे में थियरी भी बात करता है कि हमें समझना है कि हम nuclear free disarmament की तरफ जब हम बढ़ते हैं, so are we understanding the context in which the country has making the nuclear weapons? जिस संदर्भ में वो न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं क्या हम उस संदर्भ को समझते हैं? बिना संदर्भ को समझे हुए हम कैसे ये प्रस्तावित कर सकते हैं कि आपको न्यूक्लियर वेपन छोड़ना है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के बारे में बैरी बुजान भी बताते हैं। वी विल टॉक अबाउट दिस, उसके बारे में ही भी हम बात करेंगे। बट लेट्स सी, जब भी हम प्रसार की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में तो ये प्रसार किस तरीके से होता है। यानी कि जब हम प्रसार की बात करेंगे कि ठीक है ये कंट्री जो है ना उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को क्या किया, डेवलप किया, तो ये जो डेवलपमेंट है ये प्रसार जो होता है दो तरीके से, ठीक है। और ये न्यूक्लियर वेपन्स का प्रसार दो तरीके से आप देखने को मिलेंगे कि धीरे धीरे ये कंट्री सिर्फ यूएसएसआर से ना होते हुए अब ये धीरे धीरे कंट्री कहाँ तक फैल गई, ये पूरे जो है ना पूरे कंट्री तक आपको देखने को मिलेगी कि ये P5 से होते होते अभी ये पूरे 11 कंट्री के पास ये न्यूक्लियर वेपन है। तो इसका प्रसार कैसे हुआ होगा? इसका प्रसार हुआ दो तरीके से। एक को कहते हैं हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन, ठीक है, हॉरिजेंटल, और दूसरे को कहते हैं वर्टिकल। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ PG, आपको पता है हॉरिजेंटल का मतलब ये होता है ना, यानी कि ऐसे। वर्टिकल का मतलब ये लाइन होता है, यानी कि ऐसे, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि यूएस ने डेवलप किया तो यूएसएसआर ने डेवलप किया, यूएसएसआर ने डेवलप किया तो चाइना ने डेवलप किया, चाइना ने डेवलप किया तो यहाँ पे इंडिया ने डेवलप किया, इंडिया ने डेवलप किया तो पाकिस्तान ने डेवलप किया, पाकिस्तान ने डेवलप किया तो इजराइल ने डेवलप किया, इजराइल ने डेवलप किया तो नॉर्थ कोरिया ने डेवलप किया। सो व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आपका एक हॉरिजेंटल लाइन बन रहा है। सो इसी को कहते हैं हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन। इसका मतलब ये है कि स्प्रेड ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स टू अ स्टेट दैट इज करेंटली डजंट हैव पोजेस द न्यूक्लियर वेपन्स, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन ये होता है क्षैतिज प्रसार, यानी कि ऐसे राज्य जिनके पास वर्तमान में इनके पास तो है, इनके पास नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर वेपन ले लिया। इनके पास अब हो गया, इनके पास नहीं था, तो इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाया, तो इनके पास भी हो गया। तो जिनके पास नहीं है, जब वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को गेन करते हैं, तो इस तरीके से इसका जो प्रसार होता है वो क्षैतिज रूप में होता है। यानी कि जिसके पास नहीं है वो न्यूक्लियर्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द वर्टिकल प्रोलिफरेशन की ऊर्ध्वाधर प्रसार क्या होता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर यूएस के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो उस न्यूक्स के वो जो है ना 35 और 36, फिर उसके बाद उसने 105, फिर उसने 120, इस तरीके से उसने वॉरहेड बनाना स्टार्ट कर दिया। तो एक ही कंट्री के पास है और फिर से वो क्या कर रहा है, उस पर बिल्डअप कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल प्रोलिफरेशन। यू आर नॉट लिमिटिंग हियर, पहले आपके पास एक है, अब 3 बना रहे हो, 3 से 5 बना रहे हो, ये वॉरहेड आप धीरे धीरे डेवलप कर रहे हो। तो इसका मतलब है, वर्टिकल प्रोलिफरेशन का मतलब होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विद इन अ स्टेट दैट ऑलरेडी है। यानी कि जिसके पास पहले से न्यूक्लियर वेपन्स है वो आप क्या कर रहे हैं, इसकी नंबर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल प्रोलिफरेशन। और इससे क्या होगा, देयर इज अ चांस कि एक न्यूक्लियर वेपन दैट इज वेरी इनफ टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ म्यूचुअल असोर्ड डिस्ट्रक्शन। कि ये जो है ना, आप जो है ना म्यूचुअली व्हाट यू आर डूइंग, देयर इज अ एश्योरिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है, आप जो है ना एक दूसरे का जो ना विनाश कर रहे हो। इफ देयर इज अ, क्योंकि अगर आपने न्यूक्लियर वेपन ये किया, स्टार्ट किया, तो दूसरा भी क्या करेगा, दैट विल ऑल्सो स्टार्ट। सो देयर इज अ म्यूचुअल, आप दूसरे को ना पारस्परिक आप क्या कर रहे हो, विनाश कर रहे हो, जिससे पूरा दुनिया तबाह हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी आप पूरे जो है ना मासेस को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोलिफरेशन। कि प्रोलिफरेशन, जब हम प्रसार की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कैसे हुआ है एंड व्हाई इट इज अ डेंजरस फॉर द होल वर्ल्ड। सो नाउ वी आर मूविंग टू द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। देखिए, जब भी हम प्रसार की बात करते हैं, तो ये प्रसार हुआ रियलिज्म के आधार पे। रियलिज्म ये कहता है कि देयर इज अनार्की, अनार्की है अंतर्राष्ट्रीय विषय में, यानी कि कोई आपकी जो है ना, देयर इज नो सेंट्रल ऑथोरिटी इन द इंटरनेशनल रिलेशन। इट मीन्स दैट वी हैव टू सेल्फ सर्वाइव, हमें सर्वाइव खुद करना होगा। देयर इज अ नीड फॉर सेल्फ हेल्प, हमें सेल्फ हेल्प करना होगा। सो दीज आर द टू टर्म दैट हैज बीन गिवन। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि इसके वजह से, अराजकता के वजह से हमेशा सुरक्षा की दुविधा बनी रहती है हर राष्ट्र को, ठीक है। यानी फिर हो सकता है कि इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से पाकिस्तान को खतरा हो सकता है, चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से इंडिया को खतरा हो सकता है। तो ये जो दुविधा है कि अगर उसके पास ये आ जाएगा तो हो सकता है कि वो मुझ पर अटैक कर देगा, तो ये जो दुविधा है वो इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विषय में कोई जो है ना आपका सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। और इसी की वजह से हर स्टेट क्या करता है, सेल्फ सर्वाइवल की ओर बढ़ता है। यानी कि ये 2 से क्या हो गए और 3 आप देखोगे बढ़ गए, यूके, फ्रांस, चाइना, और फिर उसमें आपके ऐड हो गए इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। So in this way the proliferation has been horizontally increasing day by day, ठीक है। फिर उसके बाद term आया first strike। first strike का मतलब ये होता है कि आप जो है ना, आपको लग रहा है कि ये कंट्री क्या कर सकता है, कि फिर से अटैक कर सकता है, तो हमें क्या करना है, उसको रोकना है। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, you are attacking it, आप सरप्राइज उसको अटैक कर रहे हो। they are planning but you are attacking, but आपने अटैक कर दिया, that is called फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी। जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री है उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर आपको लगता है कि ये कंट्री मेरे अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है, तो आप उसको फर्स्ट स्ट्राइक करते हो, सडन अटैक कर देते हो। उदाहरण के रूप में आप समझिए हिरोशिमा, नागासाकी, ठीक है। फिर सेकेंड स्ट्राइक क्या होता है, अगर मान लीजिए कि जापान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होता तो जापान क्या करता, उसको अपने आप को बचाता भी, एयर में ही उसको क्या कर देता, अपने आप को बचा लेता। और फिर उसके बाद क्या हो सकता है, हालांकि ये न्यूक्लियर वेपन्स के साथ पॉसिबल नहीं है कि आप जो है ना एयर में ही उसको ये कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है ना उसका जवाब भी देते, प्रतिशोध भी लेते, ठीक है। तो सेकेंड स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, आपने उस जो चोट है उसको ऑब्जर्व किया, न्यूट्रलाइज किया, प्लस में आपने उसका जवाब भी दिया। तो न्यूक्लियर वेपन जितने भी कंट्री के पास है, दे आर ट्राइंग टू मेंटेन द सेकेंड कैपेबिलिटी, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जिससे ना केवल उसको ऑब्जर्व कर सके अपने जो चोट है, बल्कि उसको जो है ना जवाब भी दे सके। सो दिस इज ऑल अबाउट मैच्योर म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी इसको कहते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लेड टू मैड, यानी कि दे आर नाउ बिकम मैड। ठीक है, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, और इस तरीके से जब आप उसको है ना रोकते हो तो आपकी जो है ना ऑफकोर्स हानि होगी। सो आप देखते हो कि हर स्टेज पे यू आर नॉट सेफ। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको कोई अटैक करे तो आप कैसे नहीं बच सकते हो, मतलब कि आपके पास पहले से ही न्यूक्लियर वेपन्स है। सो अगर आप देखो न्यूक्लियर वेपन्स, देखिए न्यूक्लियर वेपन्स इज नॉट अ वेपन लाइक जैसे आपने गन चला दिया और जिसको मारा दैट विल बी शूट, इट इज नॉट लाइक दैट। इसके जो रेडिएशन होते हैं, इसकी जो डस्ट होते हैं, ये केवल एक टाइम के लिए नहीं होते, इसके जो बर्स्ट होते हैं दैट विल रिमेन इन द क्लाइमेट फॉर ईयर्स एंड ईयर। और इसी का खामियाजा ये है कि जापान अभी भी जो है ना 1945 का प्रकोप अभी भी झेल रहा है, एंड स्टिल अमेरिका इज अपोलोजाइजिंग फॉर दैट कंडीशन। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार जो है ना शूट कर दिया एंड यू विल बी नाउ दैट विल बी नॉर्मल। अभी भी आप देखोगे जापान में मोस्ट ऑफ द चाइल्ड हु इज बर्निंग, हु इज न्यूली बर्न, सो 1945 के दौरान जितने भी चाइल्ड होते हैं उसकी रेडिएशन जो होता है ना अभी भी वहाँ पे है, और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि मोस्ट ऑफ द चाइल्ड दैट बर्न आफ्टर 1945 आइदर दे आर क्रिपलिंग, आइदर दे आर डिसेबल। सो उनके जो रेडिएशन होते हैं, उनके जो केमिकल इफेक्ट होते हैं दैट विल बी स्टिल इन द एयर। और इसी वजह से ये जो होता है ना, आप केवल प्रेजेंट जनरेशन को नुकसान नहीं पहुँचाते हो, आने वाले जनरेशन के लिए भी ये खतरनाक हो जाता है। सो दिस डिसीजन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और जब भी कोई स्टेट ऐसा डिसीजन लेती है तो वो मानवीयता को क्या करती है, मानवीयता को बहुत भारी नुकसान पहुंचाती है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म आता है, वो आता है इज इट जस्ट। हमने अभी बात किया था जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर, दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ वॉर। डू यू थिंक द न्यू काइंड ऑफ वॉर हैज चेंज द मीनिंग ऑफ द जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर? क्योंकि जब हम जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर पढ़ रहे थे तो हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि वो मॉरलिटी को बेस्ड होती है, बट डू यू थिंक इज देयर एनी मॉरलिटी इन दैट? नो, एंड दैट्स व्हाई the nuclear weapons, the rise of the weapons of mass destruction has completely erased the आइडिया ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर। आज के ज़माने में कोई भी वॉर जस्टिफाइड नहीं है। वॉर इज़ अ वॉर एंड दैट लीड टू अ डेथ, दैट लीड टू द हार्म। ठीक है, सो दिस इज़ वाई द जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर, द जस्ट इन बेलो, द जस्ट एट बेलम हैज़ बीन कम्प्लीटली डिसरिगार्डेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यू वॉर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न वॉर। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि थियरी क्या कहता है। When we talk about the proliferation, when we talk about the nuclear weapons, what the theory are telling, what realism is telling, what the other theory was telling. But before we move to that context, इस context को समझने के लिए हमें जो है ना यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि ये न्यू वॉर और ओल्ड वॉर क्या है। न्यूक्लियर वेपन्स के आने से, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि न्यू वॉर और ओल्ड वॉर जो है ना अ न्यू काइंड ऑफ वॉर। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड जितने भी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, इसके प्रभाव क्या हैं और ये आज के जो है वॉर से ये कैसे अलग है, इसके बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम इसकी थियोरी को समझेंगे, इसके जो है ना ढेर सारे इम्पैक्ट्स को समझेंगे। की टर्म्स जैसे न्यूक्लियर विंटर, न्यूक्लियर अम्ब्रेला, ये जो वर्ड्स है, एक्सटेंडेड डिटरेंस, ये सब क्या होता है, डिटरेंस क्या होता है, एक्सटेंडेड डिटरेंस क्या होता है, उसके बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, keep revising, keep practicing, because this concept is very important, and most importantly, this is very related to the idea of the current affairs. So, if you have a time, do watch the movie Oppenheimer. That's very relevant to understand this topic, and I suggest this and I recommend this movies to you because this is very important to understand the realism. यथार्थवाद को समझने में ये जो मूवी है वो भी आपकी मदद करेगी, प्लस में ये जो न्यूक्लियर प्लोरिफ्रेशन जो मैंने बताया था उसके भी कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ही आसान होगा जब आप उस मूवी को देखेंगे, जब आप मूवी के बारे में जानोगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट प्रिपरेशन and we will continue this series related to deterrence in our next class. Till then, keep revising and keep reading.